वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। इस वक्त फहमान खान को लेकर मेरे पास एक बड़ी अपडेट है। जी हां, हम सभी जानते हैं कि फहमान उन सेलिब्रिटीज़ में से एक है जो बहुत बहुत ज़्यादा लव्ड सेलिब्रिटीज़ हैं टेलीविजन के। जिस वक्त से फहमान ने आर्यन सिंह राठौड़ का किरदार निभाया है, उसके बाद से फहमान पर प्यार ही प्यार जनता का जो है वो बरसता है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ है कि उनकी रीसेंट शो धर्मपत्नी की वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, मैंने कल के दिन आपको बताया था कि फहमान का शो जो है वो बंद होने जा रहा है, जो कि काफ़ी वक्त से ये खबर जो है वो फैली हुई है। बट इन सारी खबरों के बीचों बीच सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई है। फहमान की एक्टिंग की बुरी तरह से बैंड बजाई जा रही है। जी हाँ, देखिए फहमान अच्छे एक्टर हैं, ये हमने देखा है इमली सीरियल में ऑलरेडी। इसके अलावा फहमान कई म्यूजिक वीडियोस कर चुके हैं। रिसेंटली उन्होंने बेइरादा म्यूजिक वीडियो किया जो उन्होंने खुद डायरेक्ट किया। इसके बावजूद अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोगों का ये मानना है, कई सारे ऐसे हेटर्स हैं, आप हेटर्स ही कह लीजिए, फैंस तो ऐसा करेंगे नहीं। सो हेटर्स जो है वो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि धर्मपत्नी शो को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही बकवास है, इसकी स्टोरी लाइन का कोई सेंस नहीं है, कई सारे यूजर्स का ये भी कहना है। इनफैक्ट कुछ कॉमेंट्स जो है वो मैंने नोट डाउन किए हैं, मैं आपको बताती हूँ। कई सारे लोगों ने ये लिखा है कि ये जो शो है ये बहुत बहुत ही ज़्यादा फेक लगता है, इस स्टोरी लाइन का कोई सेंस नहीं है, ये बंद होना चाहिए, फहमान से ये उम्मीद नहीं थी। दूसरे यूज़र लिखते हैं फहमान से ये उम्मीद नहीं थी। तीसरे यूज़र लिखते हैं कि बस यही बाकी रह गया था देखना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कई सारे कॉमेंट्स जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त आ रहे हैं। और धर्मपत्नी बंद तो होने ही वाला है, लेकिन ऑडियंस मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा उतारू है, क्योंकि उनके हिसाब से ये शो का कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने आपको ये बताया था कि इस शो के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि ये जो शो है वो बंद क्यों हो रहा है हमें नहीं पता, क्योंकि शो में हमारे पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स आगे बाकी हैं, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी हैं, बहुत सारे एंगल्स ऐड करना बाकी था, फिर अचानक से क्यों शो बंद हो रहा है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा डायरेक्टर ने कहा। फहमान पर हालांकि ट्रोलिंग इसलिए ऐड हो गई है, इस ट्रोलिंग में फहमान का नाम ऐड हो गया है क्योंकि एक्टर फहमान खान है शो पर, और ये कहा जा रहा है कि इस शो में जो स्टोरी है वो बहुत ही घिसी पिटी है, कोई भी नयापन नहीं है स्टोरी में, और यही रीज़न है कि इस शो को जल्द से जल्द बंद कराने की डिमांड जो है वो फैंस कर रहे हैं। अब बारी आपकी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि आपके हिसाब से क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि देखो यार, स्टोरी के लिए आप फहमान को ट्रोल नहीं कर सकते, आई मीन स्टोरी के लिए आप एक्टर्स को ट्रोल नहीं कर सकते, बट एज आई से कि जनता जनार्दन है वो जानती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर बताइएगा।